जैसा कि हम सभी जानते हैं, तीन किस्में पूसा संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं जो बहुत प्रचलित हैं। उसमें पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509 और पूसा बासमती 1401। ये तीनों किस्में मिलाकर के करीब करीब 95% रकबा बासमती का इन्हीं तीन किस्मों के अंदर आता है। अब इन तीनों ही किस्मों में दो प्रमुख समस्याएं हैं। पहली समस्या है पत्ती का झुलसा रोग, जिसको हम बैक्टीरियल ब्लाइट या बीएलबी के नाम से जानते हैं, और एक दूसरी फफूंद जनित बीमारी है जिसको हम ब्लास्ट, झोंका रोग या गर्दन तोड़ के नाम से जानते हैं। इन दोनों बीमारियों की वजह से इन तीनों किस्मों में काफी नुकसान होता है। और एक बहुत बड़ी समस्या है कि इनका नियंत्रण करने के लिए जब किसान भाई स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, उसका प्रयोग करते हैं बीएलबी का नियंत्रण करने के लिए, और ट्राईसाइक्लाजोल, टेबुकोनाजोल, प्रोपीकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल इत्यादि फफूद नाशी दवाओं का प्रयोग करते हैं ब्लास्ट की बीमारी या झोंका रोग या गर्दन तोड़ का नियंत्रण करने के लिए, तो उसमें किसान का खर्चा भी होता है 3000 रुपए प्रति एकड़ के आसपास जो है, और कई एक बार दवाओं का अवशेष चावल के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से जब चावल हमारा निर्यात होता है, खासकर यूरोपियन यूनियन के देशों में, तो हमारी चावल की खेप वापस कर दी जाती है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा चावल का, बासमती चावल का निर्यात यूरोपियन यूनियन में 5 लाख टन था, जो 2017 में, और जो घट करके 2019 में करीब 2.5 लाख टन हो गया, ये अवशेष के चलते। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तीन नई किस्में विकसित की हैं, जिसमें पत्ती के झुलसा रोग यानी बीएलबी और झोंका रोग यानी ब्लास्ट के लिए रोगरोधी क्षमता का विकास किया गया है। तो पूसा बासमती 1509 का सुधार करके एक नई किस्म विकसित की गई है, जिसको हम पूसा बासमती 1847 का नाम दिए हैं, और ये किस्म करीब 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बाकी सभी गुण इसके 1509 जैसे हैं, गुणवत्ता में उसी की जैसी है, पैदावार उसकी 5 क्विंटल 1509 से प्रति एकड़ ज्यादा है, और इसके अंदर झोंका रोग और झुलसा रोग दोनों के लिए रोगरोधी क्षमता विकसित की गई है। इसी तरह से पूसा बासमती 1121 का सुधार करके जो हमने किस्म बनाई है, वो है पूसा बासमती 1885। यह भी पककर तैयार होने में करीब 145 दिन का समय लेती है, जितना समय पूसा बासमती 1121 को लगता है। पकाने के बाद चावल की लंबाई, चावल का फैलाव उतना ही होता है जितना 1121 में होता है, और इस किस्म में भी झोंका रोग और झुलसा रोग बिल्कुल नहीं लगता है जी। इसके बाद जो तीसरी किस्म है हमारी पूसा बासमती 1401, उसका सुधार करके बनाई गई है, जिसको हम पूसा बासमती 1886 का नाम दिए हैं, और इस किस्म में इसकी अवधि करीब 155 दिन की है बीज से लेकर बीज तक, और उतना ही समय करीब लगता है 1401 को पककर तैयार होने में, और इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इसकी दानों में तूण पाया जाता है 1401 में, और 1886 में भी तूण आता है। मुख्य रूप से इसी किस्म का चावल जो है यूरोपियन यूनियन के देश में निर्यात किया जाता है। तो इसमें भी पत्ती की झुलसा और झोंका रोग के लिए रोगरोधी क्षमता का विकास किया गया है। अब ये तीनों किस्में बासमती के उत्पादन में एक नई क्रांति लाने का काम आगे आने वाले दिनों में करेंगे। पकाने की बीमारी एक प्रमुख बीमारी है जो बासमती की तकरीबन सभी किस्मों में लगती है, चाहे वो 1401 हो, 1121 हो, 1509 हो, सब में बकाने प्रमुख रूप से आती है। और बकाने का बड़ा एक रोचक इतिहास है। बकाने एक जापानी शब्द है, और बकाने का अर्थ होता है मूर्ख। तो जो बकाने ग्रसित पौधे हैं उनको मूर्ख पौधों की संज्ञा दी जाती है। मूर्ख पौधों की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति होता है समाज में, उसकी पहचान एक अलग से बन जाती है, वो सबसे अलग दिखता है, अलग रहता है। तो ये बकाने से जो ग्रसित पौधे हैं वो लंबे हो जाएंगे, हल्के पीले रंग के हो जाएंगे, और बाद में चल करके सूख जाते हैं, और खेत में आप सड़क से जा रहे हैं तो ये पौधे अलग से खेत में आपको दिखेंगे, पूरे खेत को खराब कर देते हैं। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो हमारी पुरानी किस्म थी पूसा बासमती 1, मुच्छल जिसको जानते थे, तो मुच्छल बहुत दिनों तक किसान भाइयों ने लगाई, उसमें बकाने बहुत कम आती है। उसी तरह से कुछ और किस्में हमने चिन्हित की हैं जिसमें बकाने नहीं आती है, और उन गुणों को अब हमने पूसा बासमती 1509 में,
उषा बासमती 1121 में और 1401 में स्थानांतरित किया है, लेकिन इसको किसानों तक पहुंचने में थोड़ा सा अभी समय लगेगा। तब तक के लिए हमारा अनुरोध किसान भाइयों से रहेगा कि ये बकाने की बीमारी जो है वो बीज जनित है और साथ में साथ ये मृदा जनित भी है। अगर मिट्टी से भी हो सकती है, साथ साथ बीज से भी हो सकती है, तो बीज का उपचार जरूर आप करें। बिना बीज उपचारित किए उसकी पौध न लगाएं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। ट्राइकोडर्मा से भी बीज का उपचार कर सकते हैं तो इससे एक प्रभावी नियंत्रण होगा। और दूसरा यह है कि ये किसान भाई अगर बासमती और गैर बासमती दोनों किस्में लगाते हैं तो जिस खेत में इस साल बकाने आया है उसमें किस्म को बदल दीजिए, उसमें गैर बासमती किस्म लगा लीजिए और बासमती वाले को दूसरे खेत में लगा दीजिए, तो इससे भी नियंत्रण में मदद मिलेगी काफी। अब दूसरी बात, एक और जो अनुसंधान की जो मुख्य दिशा है उसमें धान की सीधी बिजाई, जैसा कि आप जानते हैं जब रोपाई विधि से हम धान की खेती करते हैं तो इसमें काफी पानी लगता है। 1 किलो चावल पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है, और अगर हम धान की सीधी बिजाई करें तो धान की सीधी बिजाई में करीब 40% 35 से 40% पानी की बचत होती है। लेकिन जब धान की सीधी बिजाई की जाती है तो सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की आती है, और उसके नियंत्रण के लिए भी हम कुछ शोध कार्य कर रहे हैं जिसमें कि कुछ ऐसी नई किस्मों का विकास हमने किया है जिनमें कि एक विशेष खरपतवार नाशी दवा है जो कि हर तरह के खरपतवार को मार देती है। अच्छा। लेकिन धान के ऊपर कोई असर नहीं होता है, तो ऐसी किस्में भी आगे आएंगी जो धान की सीधी बिजाई के लिए बहुत उपयुक्त होगी, और ये शोध बहुत जल्दी ही किसानों तक हम लोग पहुंचाएंगे।